एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका जीएस एजुकेटर आलोक वाजपेयी। क्या आप लोग जानते हैं कि भाई जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं, उन उत्तराधिकार के युद्धों को याद करने का एक बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, याद रखिएगा। उत्तराधिकार के युद्ध के मतलब क्या हुए कि जो शाहजहां के जो पुत्र हैं उनमें जो आपसी संघर्ष हुआ है, वो संघर्ष युद्धों के माध्यम से इतिहास में दर्शाया गया है और वही उत्तराधिकार के युद्ध कहलाते हैं। और उन युद्धों का सही कोड है, जो ट्रिक है, वो है आपकी BDSKD। अब BDSKD के मतलब क्या हो गया, बी से बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरगढ़ मत लगाइएगा, बहादुरपुर का युद्ध बी से हो गया। डी से धर्मत का युद्ध हो गया, और एस से सामूगढ़ का युद्ध हो गया, के से खजवा का युद्ध हो गया, यस, और डी से देवराई का। तो बी फॉर BDSKD में बी फॉर बहादुरगढ़ का, बहादुरपुर का युद्ध, और डी से धर्मत का युद्ध, एस से सामूगढ़ का युद्ध, के से खजुआ का युद्ध और डी से देवराई का युद्ध। इस देवराई के अंतिम युद्ध में औरंगजेब और दारा सिकोह का सामना होता है, जिसमें औरंगजेब दारा सिकोह को पराजित करता है। वहां पर मारता नहीं है, उसको एक अदालत के द्वारा मृत्युदंड का आदेश दिलाता है। और इस प्रकार से शाहजहां के बाद में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है और सबसे पहले कहता है कि भाई हमारे पिताश्री कहाँ हैं, क्योंकि शाहजहां हमेशा चाहते थे औरंगजेब राजा न बने। राजा कौन बने, दारा सिकोह बने। तो सबसे पहले कहता है कि भाई हमारे पिताजी को कैद करके शाहबुर्ज में डाल दिया जाए। और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है शाहजहां की, यानी कि औरंगजेब की जो सबसे बड़ी बहन कह सकते हो, जहां आरा, उस जहां आरा को शाहजहां के साथ में ही कैद में डाल दिया जाता है। और इस प्रकार से शाहजहां अपना जो अंतिम समय है वो उसी शाहबुर्ज में सामने ताजमहल को देख करके अंतिम समय व्यतीत करता है। और जबकि मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद साधारण नौकरों के द्वारा उसको मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम जिनका वास्तविक नाम था, उन्हीं के मकबरे के बगल में ही साधारण नौकरों के द्वारा दफन कर दिया जाता है। तो ये BDSKD आपको बहुत सारे एग्जाम्स में क्रम से लगाने में